प्रकार से सेक रहा है भाई, यही तो है मुंबई का जिंदगी। गांव में कैसा ऐसा करते हो, ऐसा तो बीबी बना के देता होगा, है ना। ये देखो वैसे तो बैठ के खाना पीना बना रहा है भाई, और मुंबई के अंदर इसी प्रकार से किचन होता है। कितना बजे तक जगते हो भाई? 2 बज जाता है। छुट्टी कितने बजे होता है यहाँ का? ये भाई साहब दुबई भी जाकर आया, तो दुबई का जिंदगी अच्छा है कि मुंबई का जिंदगी? तो दुबई में मतलब ये सब नहीं करना पड़ता होगा। देख सकते हो रात को कैसा दिखता है भाई, वैसे दिन को दिखाऊं तो काफी खतरनाक दिखेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और फिलहाल मेरा अभी छुट्टी हुआ है और रात का 10:30 बज रहा है भाई। और मुंबई के अंदर यदि रात को 10:30 बजे इंसान यदि काम से छूटता है या फिर रूम पे रहता है, और रूम पे रहता है तो लोग क्या क्या करते हैं, बैचुलर का जीवन कैसा होता है मुंबई के अंदर, ये सारी चीज़ें आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाला है। फिलहाल मेरा जॉब पे से छुट्टी हुआ है और अभी इधर से मैं जाने वाला हूँ काफ़ी लंबा सफ़र करके अपने रूम पे। लेकिन भाई रूम पे का तो मैं हर दिन आपको दिखाता हूँ, लेकिन मुंबई में आप कहीं पे भी चले जाओ इसी प्रकार से आप सभी को ज़िंदगी देखने के लिए मिलेगा। देखो यहाँ पे खाना पीना बन रहा है और सामने इधर काम वगैरह चालू है भाई। ये पीस वगैरह है अभी मार करके रेडी कर दिया हूँ। और ये देखो कितना माल रखा हुआ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा माल वगैरह रखा हुआ है। और सामने देखो भाई, ये है मुंबई की ज़िंदगी बैचुलर का किस प्रकार से। क्या बनाता है? एसी बनाता है भाई, ये एसी का रिपेयर है। और तो भाई ये देखिए किस प्रकार से मुंबई के अंदर लोगों का जीवन होता है भाई। आपको लगता होगा कि मुंबई जाएंगे और मौज करेंगे, ऐसा नहीं है। अभी जॉब पे से आए हैं, इनको मन कर रहा है कि मैं सो जाऊं आराम करूं, लेकिन खाना नहीं बनाएगा तो खाएगा क्या। और बाहर का खाना में भाई इंसान का शरीर जो है वो नहीं लगता है, इसके लिए यहाँ पे देखिए खाना बना रहा है, रोटी बेल रहा है। और अभी मेरा छुट्टी हुआ है भाई, तो सोचे थोड़ा सा यहाँ का ज़िंदगी दिखाया जाए। वैसे ये ठीक है, थोड़ा मोड़ा बड़ा है, बाकी मेरा रूम का तो आपको ज़िंदगी दिखाया हूँ किस प्रकार से। एकदम छोटी सी रूम है जिसपे हम लोग जीवन जीते हैं। और ये देखो रोटी किस प्रकार से सेक रहा है भाई, यही तो है मुंबई का ज़िंदगी। गाँव में कैसा ऐसा करते हो, ऐसा तो बीबी बना के देता होगा, है ना। ये देखो भाई साहब बहुत शर्मा रहे हैं, ये देखो भाई कैसे फुला रहा है। तो भाई इसी प्रकार से मुंबई के अंदर जिंदगी होती है। और अभी हम लोग लोकल से सफर करने वाले हैं, आपको ये भी दिखाएंगे कि मुंबई लोकल में रात को जो लोग सफर करते हैं कितना भीड़ होता है, नज़ारा कैसा रहता है। बहुत सारे लोग आते हैं तो भाई ये सोचते हैं कि मुंबई जाएंगे मौज करेंगे, ऐसा नहीं है भाई। आपको हर एक जगह पे मुंबई में स्ट्रगल करना पड़ेगा, या काम हो या ट्रेन हो या बस हो या कहीं पे भी हो भाई, बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला स्ट्रगल करना पड़ता है। और फिलहाल अभी खाना पीना बन रहा है, ये लोग खाएगा भाई, और अभी मैं जाऊँगा अपने रूम पे। अपना मित्र थोड़ा मशीन वगैरह सेटिंग कर रहा है, देखो अभी काम चालू है भाई, मशीन वगैरह चालू है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद इधर से चलेंगे जोगेश्वरी और आपको थोड़ा सा दिखाऊं किस प्रकार से यहाँ का नज़ारा है। ये देखो वैसे तो बैठ के खाना पीना बना रहा है भाई, और मुंबई के अंदर इसी प्रकार से किचन होता है, किचन के अंदर खाना पीना बनाते हैं। वैसे फैमिली वाले रहते हैं तो अच्छे से एकदम डेकोरेट करके रखते हैं एक एक सामान, लेकिन भाई जो बैचुलर हैं देखो किस प्रकार से सामान छिटा हुआ है। वैसे अपना रूम पर भी इसी तरह से छिटा हुआ रहता है, हम लोग भाई थका हुआ रहते हैं, खाना बन जाए खा ले सो जाऊँ बस, फिर सुबह उठ करके बना के काम पे निकल जाऊँ, यही ज़िंदगी है मुंबई की। ये देखिए छोटी सी किचन है, इधर गैस सिलेंडर वगैरह रखा है। वैसे खाना जब भी बनाता है तो ऊपर बनाता है, लेकिन यहाँ पे नीचे बैठ करके बना रहे हैं क्योंकि थका हुआ है भाई इंसान, कौन यहाँ खड़े खड़े रोटी बेलेगा। और पानी वगैरह देख सकते हो किस प्रकार से रखा हुआ है, और ये देख सकते हो इसी प्रकार से ये कारखाना है, कारखाने पर खाना पीना बन रहा है, खाना पीना खाएगा सो जाए। कितना बजे तक जगते हो भाई? 2 बजे तक भाई। 2 बज जाता है। छुट्टी कितने बजे होता है? छुट्टी होता है 9:30 बजे। तो कैसा लग रहा है यहाँ का? ये भाई साहब दुबई भी जाकर आया, तो दुबई का जिंदगी अच्छा है कि मुंबई का जिंदगी? अच्छा है। तो दुबई में मतलब ये सब नहीं करना पड़ता होगा? खाना मिलता बना कंपनी देता है। खाना कंपनी बना के देता है, तो वहाँ पे सैलरी कितना मिल जाता है? जैसे हम लोग मजदूर हैं तो सैलरी कितना मिल जाएगा? इंडियन 25 कितना? 25,000 तो मतलब खर्चा कितना आ जाता है वहाँ दुबई जाने में? पूरा कंपनी खर्चा आता है लमसम तुम्हारा 45 जाने में। तो कंपनी वाला बुलाता है? कंपनी भी देता है। तो अभी दुबई जाके आया, तो मुंबई में क्या कर रहे हो? इंटरव्यू देने के लिए आया ना। अच्छा, इंटरव्यू देने के लिए। तो अभी कब जाने वाले हो दुबई?
मुझे भी ले चलो यार, मैं उधर का वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा कैसे स्ट्रगल करते हैं लोग। चल ना यार। ये देखो भाई रोटी बना रहा है। वैसे यहाँ मतलब वहाँ पे मतलब नींद वगैरह सब मिल जाता है वहाँ पे? एसी में सोने की। अरे भाई यहाँ पे सही है ना अपना इंडिया कैसा है, घर कभी भी जा सकते हैं, वहाँ से नहीं आ सकते हैं? अरे घर की बात छोड़ यार, पैसा की बात करिए, आज के जमाना में भाई हर जगह पे पैसा है तो यार सब कुछ है। पैसा है तो सब कुछ है। पैसा है तो माँ बाप भी पूछेगा, पैसा नहीं तो माँ बाप भी बोलेगा क्या घूम रहा है लुफा की तरह, पैसा कमाता नहीं है भाई। ये है मुंबई का स्ट्रगल जो बोल रहे हैं, पैसा ही है भाई, पैसा ही सब कुछ करवाता है। फिलहाल देखो रोटी बन रहा है, सोच रहा हूँ मैं एक रोटी खा लूँ, लेकिन नहीं भाई रूम पे खाना बना होगा, जाकर रूम पे खाऊंगा। इधर देखो सब्जी वगैरह ला के रखा हुआ है। चलो भाई अभी इधर से निकलते हैं। दोस्तों फाइनली कारखाने से छूट गए हैं और अभी रात का 11 बज चुका है भाई, और अभी लोकल से सफर करके काफी लंबा जाना है। इसी तरह रात का 1 बज जाता है, 1:30 बज जाता है, जाते जाते रूम पे कभी कभी 12 बज जाता है, कभी काम ना रहे तो जल्दी चले जाता हूँ। फिलहाल जिस जगह पे हूँ इधर का देखो कितना सुनसान नज़ारा है, और सामने मुंबई का जोगेश्वरी स्टेशन है। आओ थोड़ा सा जोगेश्वरी स्टेशन का रात का मार्केट कैसा दिखता है वो दिखा दूँ, फिर मैं इधर से लोकल पकड़ के निकल जाऊँ। वैसे 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है मुंबई में, थोड़ी थोड़ी सी हो रही है भाई, ज़्यादा नहीं हो रही है। तो भाई ये जोगेश्वरी का मार्केट रात को कुछ काफ़ी सुनसान दिखता है भाई, वैसे मार्केट वगैरह नहीं लगा हुआ है। और चलते हैं सबसे पहले, ये देखो भाई मुंबई का जोगेश्वरी स्टेशन है, सबसे पहले इधर से चलते हैं, टिकट वगैरह कटाते हैं, फिर इधर से निकलते हैं भाई। ऑटो वगैरह देखो रात को किस तरह से चलता है मुंबई के अंदर भाई। ये देखो भाई जोगेश्वरी स्टेशन के सामने किस प्रकार से मार्केट लगी है रात का 11 बजे। इसी तरह से डेली जाता हूँ और ये मार्केट 12 बजे तक बंद हो जाती है भाई। स्टेशन ये मुंबई का जोगेश्वरी स्टेशन है, और स्टेशन के जस्ट सामने का नज़ारा है भाई। ये देखो कितना ज़्यादा तगड़ा वाला, सब खत्म हो चुका है भाई, जो भाजी बेच रहे हैं सबका खत्म हो चुका है। फाइनली भाई लोकल से सफ़र करके आ चुका हूँ, और लोकल पे वीडियो शूट नहीं किए हैं, और वैसे काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, 12:15 हो चुकी है, तो बस भी नहीं मिल रहा है तो टैक्सी लिए हैं, टैक्सी पकड़ के जा रहा हूँ भाई। काफ़ी ज़्यादा काम करके थक चुका हूँ, और कल संडे है, कल भी सुबह सुबह जॉब पर जाना पड़ेगा क्योंकि इस समय काम काफ़ी ज़्यादा है भाई, और बारिश भी होने लगी थी तो बोले रुकना, अच्छी बात नहीं है, चलते हैं रूम पर आराम करेंगे। थोड़ा सा महंगा पड़ा था, क्या दिक्कत है भाई। और सामने देखो रात का क्या नज़ारा है भाई मुंबई का, और ये देखो भाई पंडाल वगैरह गणपति का बनना स्टार्ट हो गया है, और चलेंगे कभी रॉयल पैलेस जहाँ पे लाल बाग चौराजा बैठता है उधर देखेंगे और दिखाएंगे कभी। फिलहाल अभी जॉब पे जाऊँगा, कल शाम को 5 बजे छुट्टी होगा, समय मिलेगा तो चलेंगे और दिखाएँगे। फिलहाल करते हैं सफर का, उठाते हैं आनंद और मिलते हैं आप सभी से डायरेक्ट रूम पे भाई। फाइनली भाई गली के अंदर आ चुका हूँ, और अभी आपको एक आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, देखिए सुनिए, हरे कृष्णा हरे रामा था जो लोकल में सफ़र करते समय आपको सुनाई देता होगा। और कैसा लगता है जब सुनाई देता है? बढ़िया लगता है भाई, बहुत अच्छा लगता है भाई, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। यही सुनाई दिया गली में तो सोचिए भाई वीडियो बनाया जाए, आप सभी को दिखाया जाए। इसी प्रकार से जब लोकल में जाते हैं जॉब करने के लिए तो बजाते रहते हैं भाई। फिलहाल अभी आया हूँ, अभी इधर से खाते पीते हैं फिर निकलते हैं और आप सभी को बताते हैं। तो भाई ये है मुंबई की गलियों जिसमें आम इंसान का जीवन बसता है, देख सकते हो रात को कैसा दिखता है भाई। वैसे दिन को दिखाऊं तो काफ़ी ख़तरनाक दिखेगा क्योंकि चारों साइड पांचों साइड आपको रूम ही देखने के लिए मिलेगा छोटी छोटी, और दुकानें इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा भाई मुंबई के अंदर। काफ़ी पतली पतली गली है भाई, धारा भी ऐसा नहीं है कि खाली धारा भी में है, हर एक जगह पर है भाई।
मुंबई का, या मुंबई सेंट्रल हो या धारावी हो, हर एक जगह पे आपको कुछ इसी प्रकार से नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। तो अभी अपना मित्र के साथ आए हैं, थोड़ा सामान वगैरह लेना है, सामान वगैरह लेते हैं, फिर इधर से स्टेशन चलते हैं मलाड़, फिर मलाड़ से दादर चलना है और फिर दादर से भाई को कुर्ला जाना है। देखो किस प्रकार से छोटी छोटी रूमें और गली देखने के लिए मिलता है भाई मुंबई के अंदर। बहुत अंदर है भाई, कितना अंदर है। दोस्तों अभी के लिए बस फिलहाल इतना ही, आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। रात को काफ़ी लेट हो चुका था भाई और अभी अपने काम पे आ चुका हूँ और अभी बज चुका है एक, दोपहर का एक बज चुका है और भाई अभी खाना पीना खाएंगे। देखो किस प्रकार से इधर बैठे हैं, इधर पूरा सेट वगैरह रखा हुआ है और इधर देखो भाई कारखाने में कुछ इस प्रकार से नज़ारा है। अभी खाना पीना खाएंगे, लाइट वाइट सब ऑफ हो जाएगी थोड़ी देर में। और आई होप अच्छा लगा होगा ये वीडियो, अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और मिलते हैं इसी तरह एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।